हम ये सुनते आए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन इस तरीके से तो मुमकिन वो भी नहीं होने देना चाहेंगे कि कोई उनके नाम का, उनके साथ का, उनके रिलेशन का गलत फायदा उठा करके देश के भोले भाले लोगों को चूना लगा जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं पीयूष जी की बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, मैं इनकी बात से एंटी हूं, सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी, बल्कि बिल्कुल ये बहुत गलत बात कर रहे हैं भाई। पर्सनल रिलेशन में यदि किसी के यहाँ कोई मिसहैपनिंग होती है तो क्या एज ए कट से आप जाएंगे ना उनके यहाँ? आपके रिलेशन नहीं है कहीं जाने में, इसका मतलब आप बिल्कुल सोशल बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ। ये तो अलग बात है, ये आपने जो मतलब इंतकाल की बात है, ये बात गलत बात है, ठीक है उस बात को मैंने कह दिया, लेकिन बाकी 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 बातें कहां? इस बिना पे दोस्ती की बिना पे क्या हम देश की जनता को बलि पे चला देंगे, सूली पे चला देंगे? ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं ठीक है उनकी फ्रेंडशिप पे। अरे होगी भाई, बात खुलकर आ गई है, जो उन्होंने लोन दिया या उनके उनके विटनेसेस पे भी ये गारंटी उन्होंने कर रखी है, ये तो खुलकर आने दो बात को। अभी आप पहले से पहले उठा रहे, आप कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं कहा बात बताइए? कांग्रेस वालों पर कब से आरोप है? कांग्रेस वाले नहीं मिलते उसे? बीजेपी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम करती है। मैं तो मानता था मगर इतने सीनियर आदमी है वीर पाल जी, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। अगर कुछ भी वो व्यक्ति सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अरे वही होगा भाई साहब, सुनिए, बात तो खुलकर आने दीजिए, आप डिस्कस तो करिए, आप बात ये तो बात तो खुल पहले आप पूरे तथ्य क्या है आखिरकार माजरा क्या है, ये तो खुलकर आने दो पहले, तभी तो आपको बताएगा, तभी तो पता लगेगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो माजरा आप सुनना नहीं चाह रहे? संसद इसीलिए होती है कि वहां के जनता के सवाल पूछे जाए, सरकार वहां पे जवाब दे, ताकि सारे सवालों को जनता सुने और सारे जवाबों को जनता सुने, तो पता लग जाएगा वो कौन सही है कौन गलत। बिल्कुल सही है, यही तो तरीका है। चलिए मैं भी दो ग्राफिक्स आपको दिखाता हूँ, लौटूंगा उमा जी से बात करूंगा। सुमित जी जरा ग्राफिक्स फायर करिए। मैं बल्कि देश पता नहीं हमारे देश में रूल क्या है कि लोग अपनी ड्यूटी अटेंड नहीं करते तब भी सैलरी मिल रही है, तब भी उनको भत्ता मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है इनको, तब भी पेंशनें मिल रही है, कई कई पेंशन मिल रही, क्यों मिल रही है इनको इतने पेंशन? एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय 30 साल के बाद रिटायर हुआ उसको तो बंद है, और इनको पेंशन मिल रही है, सबकी बंद होनी चाहिए। सवाल निकले तो बहुत सारे सवाल है, ये जितने भी सफेदधारी है, जितने भी उस गोल घर में बैठे हैं, एक बार जीतने के बाद जिंदगी भर हारते रहे, लेकिन वो फिर भी राजा बन के रहते हैं, इस पर तो सवाल सारी सरकारों पर है। आप सिर्फ कांग्रेस या बाकी सरकारों को नहीं कह सकते, आप सत्ता में हटा दीजिए सबको, खत्म करिए, कि चुनाव जीतेंगे तो सारी सुख सुविधाएं रहेंगी, चुनाव हार जाएंगे तो आप बिल्कुल आम जनता की तरह रहेंगे। सुनो मैं भी बताता हूँ, केजरीवाल साहब जब अपना एडवर्टाइज कर रहे थे अपनी पार्टी का, उस समय क्या क्या वादे कर रहे थे, किए थे ना, मैं तनख्वाह चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना घर चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना कुछ भी चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, सब कहते ना मैंने चाहिए, ये भी नहीं आता कहा था, पैसा भी नहीं चाहिए, यहाँ तक भी कहा था उन्होंने, लेकिन अब क्या नहीं लेना उन्होंने बताइए भी। अभी आप अडानी से अरविंद केजरीवाल पर पहुंच गए, अब सारे बड़े अडानी जी पर मामला खत्म नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल पे शुरू हो गया और उसके बाद कहीं अमर अकबर अंतरी पर पहुंच जाएगा। ये तो बात का लिंक टू लिंक है, मैं फेर वाली बात है, मैं भाग नहीं रहा हूँ टॉपिक से, भाग नहीं रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ मैटर में, जनता का पैसा है बिल्कुल 100% जनता का पैसा वापस होना चाहिए। ठीक है चलिए उमा जी का स्टेटमेंट लेते हैं। उमा जी देखिए, हमारे बड़े भाई वीरपाल सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता बीच में भूल जाते हैं कि वो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो अपनी ही पार्टी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल सबकी पेंशन वापस होनी चाहिए, तो वीरपाल जी मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप प्रेशर डालिए अपनी पार्टी पर कि बिल लेकर आए। अरे आप तो बंद करिए, आपने कादा लेने के लिए हम तनख्वाह नहीं लेंगे, आप सबूत पेश कर देना, तब होता पता। हाँ हमारे सांसद तब तो बता, नहीं नहीं एक कोई तो खत्म हो जाएगी, हम तो कोई इंसान पेश करता ना। मैडम मैं कह रहा हूँ आपके लिए भाई साहब, 330 मैडम मैं सुनो तो मेरी बात तो चलिए भूदेव जी से जवाब ले लेते हैं। भूदेव जी अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भूदेव जी एक वर्जन कांग्रेस का ले लेते हैं, कांग्रेस का सारा मुद्दा उठाया हुआ है संसद में सड़क पे। भूदेव जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मुझे आप बता दे क्यों आप जेपीसी की या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की मांग उठा रहे हैं? भूदेव जी
देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीएसएनएल को बर्बाद करके रिलायंस को शुरू किया गया, ऐसे ही एलआईसी को बर्बाद करके रिलायंस को बढ़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज आप ये बताइए कि आज ये सरकार जिसको हमारे नेता राहुल गांधी जी बोलते आए थे अडानी और अंबानी की ये सरकार है, वह साफ तौर पर जाहिर हो गया है। क्यों? क्योंकि जो इन बीजेपी के नेताओं का, चाहे वो अमित शाह का हो या दूसरे नेताओं का, जो पैसा था, जो काला धन था, जिनके बारे में ये 2014 से पहले बोलते थे, वो पैसा अडानी जी के द्वारा विदेशों से फर्जी कंपनियों के द्वारा इस देश में लगाया गया, ये जग जाहिर हो चुका है। इतने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे देश की सरकार संसद में इस बात पर बहस करना नहीं चाहती है। 2014 के बाद कभी भी सरकार जो देश के मुद्दे हैं उन पर कभी बहस नहीं करना चाहती है, इसलिए संसद को चलने में दिक्कत होती है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, या इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, इस देश के लोगों की जो समस्या है अडानी और अंबानी को लेकर हो, चाहे किसानों के मुद्दों को लेकर हो, लेकिन ये देश की सरकार आज किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है। और आप कहेंगे कि ये मुद्दे उठा रहे हैं, बिल्कुल मुद्दे उठाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज इस देश में जो ताराशाही सरकार काम कर रही है, उस सरकार के खिलाफ केवल और केवल राहुल गांधी जी है जो सड़क से लेकर संसद तक मुद्दे उठा रहे हैं, और हम निश्चित तौर पर इनको उठाते रहेंगे, और इनको इस देश की जनता को यह जवाब देना पड़ेगा कि देश की पूरी संपत्ति को अडानी को जो देने का काम किया, जो देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, जिस पर बार बार राहुल गांधी जी ने चेताने का काम किया, जैसे कोरोना में चेताने का काम किया, जैसे किसानों के मुद्दों को लेकर के राहुल जी ने चेताया, जो ये तीन काले कानून लेकर के आए थे, और अडानी जी को लेकर के भी राहुल गांधी जी ने बार बार आवाज उठाई, जिसके परिणाम आज हमारा पूरा देश भुगत रहा है, देश की जनता भुगत रही है।